बीजेपी का अस्तित्व ही आडवाणी से, उन्हीं के कारण मोदी बने पीएम। उमा भारती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी की गई उम्मीदवारों की लिस्ट में लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट काट दिया गया। अब इसके बाद कोई आडवाणी का टिकट काटने के लिए उम्र को जिम्मेदार ठहरा रहा तो कोई इसके लिए सफाई पेश कर रहा है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का कहना है कि आडवाणी जी का टिकट नहीं काटा है, इस बार उन्होंने भी चुनाव न लड़ने का मन बना लिया है। उमा भारती ने कहा कि इसका कारण ये है कि आडवाणी पहले भी कई बार चुनाव नहीं लड़े हैं। उन्होंने कहा कि आडवाणी जी को हम भुला ही नहीं सकते। 1984 में 2 सीटों से बीजेपी आज यहां तक पहुंची है, तो आडवाणी जी के एक कारण से ये मुमकिन हुआ है। उमा भारती ने कहा कि अयोध्या आंदोलन का नेतृत्व आडवाणी जी ने किया, रथ यात्रा आडवाणी जी ने निकाली। आज आडवाणी जी के कारण ही मोदी प्रधानमंत्री हैं। उनका सिर्फ योगदान ही नहीं है, उनका होना ही पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। आज बीजेपी का ये अस्तित्व भी उन्हीं के कारण है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि ये बात गोवा से शुरू हुई जब नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति की कमान सौंपने की बात हुई थी और राजनाथ सिंह को पार्टी अध्यक्ष बने थे, और इस वक्त ही आडवाणी गोवा नहीं थे। इसके कारण चर्चाएं चली और उसे मोदी बनाम आडवाणी बना दिया गया था। उमा भारती ने कहा कि वो बात आज तक खत्म नहीं हुई है और उस बात को खत्म करने का एक ही तरीका है। आडवाणी जी से अपील करती हूं कि वो खुलकर मोदी जी को आशीर्वाद दे और इन्हें बातों से नकारे। बड़ों ने छोटों को मान के साथ आगे बढ़ाया है, इस परंपरा को आडवाणी जी भी जानते हैं। खुद के चुनाव न लड़ने की घोषणा पर उमा भारती ने कहा, मैं गंगा के कारण गंगा ही पद यात्रा करना चाहती हूं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उन्होंने कहा कि मैं पहले ही कह चुकी हूं, झांसी से तो पहले से ज्यादा वोट से जीतूंगी। उमा भारती ने दावा किया कि पार्टी की तरफ से उन्हें खजुराहो, तमिलनाडु, पंजाब और कई जगहों से चुनाव लड़ने के प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्हें चुनाव नहीं लड़ा। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव प्रचार में भाग लेंगे और संगठन में रहकर राजनीति करेंगे। अमित शाह के गांधीनगर से चुनाव लड़ने पर उमा भारती ने कहा कि अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो इसका स्वागत करती हैं। उनका मानना है कि इसकी संतुलन बनेगा, गांधी जी आडवाणी जैसे ही व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह उसी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं जो आडवाणी जी करते थे। प्रधानमंत्री मोदी पर उमा भारती ने कहा कि मोदी तो यूनिक हैं, वो अपने आप से संपूर्ण हैं, वो अकेले ही हैं, इसलिए जोड़ी की बात नहीं करती हूं। 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट ना देने के मुद्दे पर उमा भारती ने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियां तो रिटायर्ड लोगों को ही रखती है और उन्हें ही काम कर देती है। उमा भारती ने कहा कि सोना जितना पुराना होगा उसकी कीमत उतनी ही बढ़ती है। उनका कहना है कि वो इस बात को नहीं मानती, लेकिन पार्टी अगर ऐसी बात कहती है तो ये गलत है। उमा भारती का मानना है कि आडवाणी उनसे ज्यादा फिट है। उमा भारती ने प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो तब निकली जब उनके पति बहुत बड़े आरोपों के दायरे में थे और प्रियंका अपने पति को बचाने के लिए निकली है। उत्तर प्रदेश में माया और अखिलेश की जोड़ी पर उमा भारती ने कहा कि सपा और बसपा के कार्यकर्ता एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। मायावती और मुलायम सिंह में टकराव के कारण जहां सपा के उम्मीदवार होंगे बीएसपी के लोग बीजेपी को वोट देंगे और जहां बसपा के उम्मीदवार होंगे सपा के लोग बीजेपी को वोट देंगे। उमा भारती का दावा है कि गठबंधन की होने से बीजेपी को फायदा मिलेगा और कांग्रेस की तो हवा पहले ही निकल चुकी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।